हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब कोई सही सलामत होंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सरोज और आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरी इस नए वीडियो के साथ मेरे यूट्यूब चैनल सपोर्टिंग सरोज पे। दोस्तों, आपको ये बताने में मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि मोटोरोला ने आज के डेट में एक ऐसा फ़ोन लॉन्च किया है जिसका क्रेज़ आज से नहीं पिछले 15-16 साल से हम जैसे यंग यूथ के दिल में है कि कम से कम एक बार वो फ़ोन यूज़ करने का मौका मिल जाए। तो वो फ़ोन क्या है, मैं आपको बता दूँ। वो फोन का नाम है, मॉडल नेम है मोटोरोला रेजर। आप में से 90% लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन होगा और आप लोग जानते होंगे कि मोटोरोला ने ठीक इसी नाम का एक फ़ोन लॉन्च किया था आज से ठीक 15-16 साल पहले, जो कि मार्केट में तहलका मचाई हुई थी और बहुत ज़्यादा मूव हुई थी। बेस्ट सेलिंग, सेकेंड बेस्ट सेलिंग फ़ोन, वर्ल्ड का सेकेंड बेस्ट सेलिंग फ़ोन है वो अभी भी। नोकिया 1100 के बाद सबसे ज़्यादा बिकने वाली फ़ोन वही है मोटोरोला रेजर। उन फ़ोन का खासियत क्या था, वो फोल्डिंग वाला था। थोड़ा याद कीजिएगा, आज के डेट में जो 30-40 में खिलौना मिलता है ना मोबाइल फ़ोन का, जिसमें एक ही गाना बजता है सारा बटन दबाने में, तो उसी टाइप का ये फोल्डिंग वाला फ़ोन था। थोड़ा सा वो टावर कनेक्ट करने वाला वो चीज़ था जो अभी रहता है सेम टू सेम, तो वो फोल्डिंग अनफोल्ड करने से बड़ा फ़ोन बन जाता था और ऐसे करके बात करने में एक प्रीमियम सा फीलिंग आती थी और फोल्ड कर देने से छोटा सा प्यारा सा फोन हम लोगों का जेब में रहता था। और ये फ़ोन मेरा एक दूर का रिश्तेदार के भैया के पास था और मेरा बहुत क्रेज़ था कि कम से कम एक बार तो इस फ़ोन को यूज़ ज़िंदगी में करना है। लेकिन वो तो बंद हो गया भाई। आज धीरे धीरे स्मार्टफोन के दुनिया में कैसे बहुत बेहतरीन बेहतरीन टेक्नोलॉजी और अपग्रेड वाला फ़ोन आ चुका है, लेकिन मोटोरोला ने उस ख्वाहिश को जिंदा रखा और इस पूरा करने का एक बार फिर से मौका दे दिया है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, बिल्कुल उसी मॉडल का उसी टाइप का फ़ोन मोटोरोला ने लॉन्च किया है मोटोरोला रेजर। थोड़ा न्यू स्पेसिफिकेशंस, न्यू डिज़ाइन और न्यू सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को अटैचमेंट के साथ न्यू स्पेसिफिकेशंस क्या है इसका, न्यू स्पेसिफिकेशंस क्या है इसमें खास बात, इसी को लेके मैं टोटल स्पेसिफिकेशन लेके बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह जानकारी पसंद आएगी। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, अगर एंड तक नहीं देखिएगा स्किप कर दीजिएगा तो आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है नहीं, आपको पता चलेगा कि आपको ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। कुछ नेगेटिव बातें भी मैं लास्ट में बताऊंगा, लास्ट में प्राइस भी डिटरमाइन करूंगा कि किस प्राइस में इंडिया में ये लॉन्च होने वाले। तो दोस्तों बने रहिए एंड तक वीडियो का। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए सबसे पहले, और नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल में क्लिक कर दीजिए, क्योंकि इस प्रकार का न्यू अपडेट का वीडियोस मेरे चैनल में मैं लाता रहता हूं और इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, ताकि आप इसका इन्फॉर्मेशन, आपको सारा नया चीज़ का इन्फॉर्मेशन अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाए, इसीलिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए। चलिए डिले ना करते हुए, विदाउट डिले किए चलिए स्टार्ट करते हैं, स्पेसिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो आपको मैंने पहले ही बता दिया है 15 साल पहले सेम इसी प्रकार का फ़ोन। तो इसका खास बात, सबसे मैं बात करूं आपसे खास बात, जो स्पेसिफिकेशन में जो खास बात आती है इस फ़ोन में, खास बात ये कि जो फ़ोन है, जो मोटोरोला ने नया फ़ोन 2019 में जो मोटोरोला ने फ़ोन लॉन्च कर रहा है, ये कर चुका है, इंडिया में अभी तक ये लॉन्च नहीं हुआ है, कुछ जनवरी महीना के आसपास आने वाला है आपको बता दूं। तो ये फ़ोन का खास बात ये कि ये फोल्ड अनफोल्ड करने से एक बड़ा स्क्रीन हो जाता है 6.5 इंच का, और फोल्ड करने से एक प्यारा सा 2.5 इंच का स्क्रीन बन जाता है, और आप जो कि आप अपने जेब पे रहेगा, आपका जेब में प्यारा सा नन्ना सा दुल्हरा सा आपका फ़ोन बन जाएगा, छोटा सा एकदम छोटा सा 2.5 इंच का फ़ोन बन जाएगा। और 2.5 इंच का इस फ़ोन में भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं, आपके पास एक ऑलेड डिस्प्ले होगा जिसमें आप नोटिफिकेशंस को देख सकते हैं, जिसमें आप मैसेजेस पढ़ सकते हैं, जिसमें आप ईमेल्स वगैरह पढ़ सकते हैं, और क्विक सेल्फी भी ले सकते हैं उस छोटा सा लुक में भी, छोटा सा मतलब फोल्ड किया हुआ सिचुएशन में भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और आप जैसे उसको अनफोल्ड करते हैं इसका स्क्रीन, इसका डिस्प्ले खुल जाता है। सबसे बड़ी बेहतरीन बात है कि इसका डिस्प्ले में थोड़ा भी गैप नहीं है, ये बैंड होता है, ये फ्लेक्सिबल है। और इसमें जो अभी सैमसंग का भी नया फ़ोन आया हुआ है, सैमसंग का गैलेक्सी का फोल्डेड वाला फ़ोन और अनफोल्ड वाला, छोटा होता है बड़ा होता है ऐसा करके, जिसमें गैप है, लेकिन इसमें गैप नहीं है, बहुत बेहतरीन टेक्नोलॉजी है। और एक ऑलेड डिस्प्ले है और बेहतरीन डिस्प्ले है, सो इसको मैं कह सकता हूँ HD++ का ये डिस्प्ले का काम करेगी, मतलब HD++ HD से भी बढ़ के, HD+ से भी बढ़ के ये डिस्प्ले होने वाली है। तो चलिए स्पेसिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले इसका एंड्रॉयड वर्जन की बात करता हूँ, 9 में आने वाली ये फ़ोन,
और इसका जो मैंने आपको डिस्प्ले बताया 2.7 इंच का होगा, जब ये फोल्ड अवस्था में रहेगा, फोल्ड सिचुएशन में रहेगा तो 2.7 इंच का होगा और ऑलरेडी डिस्प्ले होगा, जिसमें आप क्विक सेल्फी ले सकते हैं, क्विक सेल्फी ले सकते हैं, नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं, आप मैसेज, ईमेल्स, कॉल ये वगैरह वगैरह कर सकते हैं, पूरा यूज नहीं कर सकते। पूरा यूज करने के लिए आपको अनफोल्ड करना पड़ेगा, बड़ा स्क्रीन में जाना पड़ेगा। बड़ा स्क्रीन में जैसे ही जाते हैं इसका स्क्रीन साइज हो जाता है, आपका डिस्प्ले साइज होता है 6.2 इंचेस का ऑलरेडी डिस्प्ले है, जो कि बेहतरीन डिस्प्ले है। और इसका जो आपका प्रोसेसर की बात करूं, इसका आज के डेट के हिसाब से जो स्मार्टफोन्स आ रही है उसके कंपेयर में थोड़ा सा पीछे तो रह गई है, लेकिन इसका जो ठीक है चलिए चलेगा। जो प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन 710, मतलब 710 स्नैपड्रैगन 710 प्रोसेसर है। और इसका स्टोरेज की बात करें, जो कि स्टोरेज है इसका 6GB और 128GB रोम, 6GB रैम के साथ 128GB स्टोरेज आपको मिलेगी, जो कि एक बेहतरीन है, ये इसमें इस मामले में सही है। लेकिन नेगेटिव पॉइंट इसी के साथ मैं इसका बता देता हूं आपको, कि इसमें कोई आप एक्सपेंडेड मतलब मेमोरी एक्सपेंडेड बाहर से एक्सपेंडेड मेमोरी नहीं लगा सकते हैं, कोई अलग से मेमोरी कार्ड इसमें आप इंस्टॉल नहीं कर सकते। मेमोरी कार्ड इंस्टॉल करना तो दूर की बात, आपको मैं इन्फॉर्म कर दूं इसमें आप सिम कार्ड भी इंस्टॉल नहीं कर सकते अलग से, आपको ई सिम यूज़ करना पड़ेगा। आपको इसके लिए इसमें आप सिम ऐसे मैनुअल सिम जैसे हम लोग अपना फ़ोन में यूज़ करते हैं वो सिम कार्ड आप यूज़ नहीं कर सकते, इसमें आपको ई सिम यूज़ करना पड़ेगा। ई सिम के बारे में अगर आप किसी को आपके पास किसी के पास इन्फॉर्मेशन नहीं है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं इसके बारे में एक डिटेल में वीडियो बना दूंगा, क्योंकि इसमें बताने जाऊंगा वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसका जो जो फोल्डर की बात करें, नो गैप फोल्डर है, ये तो एक स्पेसिफिकेशन बेहतरीन है ही। और इसके आते हैं कैमरा के बात पे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट आज के डेट में हम लोग का मोबाइल फोन्स में हो चुकी है कैमरा। तो इसका जो रियर कैमरा है, जो बैक कैमरा है और प्राइमरी उसके सिंगल कैमरा, एक ही कैमरा दिया है, सिंगल कैमरा 16 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है और एक ही कैमरा है और उसमें और वेरिएंट नहीं है। और स्टोरेज में भी वेरिएंट नहीं है, आपको एक ही स्टोरेज मिलेगा 6GB और 28GB ना। तो कैमरा के बात कर रहा था मैं, कैमरा आपको यही मिल जाएगा, एक ही सिंगल कैमरा जो कि 16 मेगापिक्सल का। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो आप 16 मेगापिक्सल का कैमरा यूज़ कर रहे हैं पीछे से रियर कैमरा को, उसी कैमरा को जब आप फोल्ड करते हैं, फोन आपका जब खुला हुआ रहता है तब यहाँ पे आपका कैमरा होगा 16 मेगापिक्सल का, उसी का जब आप फोल्ड करते हैं तब आपका इसी से आप सेल्फी ले सकते हैं, क्विक सेल्फी ले सकते हैं। फोल्ड सिचुएशन में वो 16 मेगापिक्सल कैमरा से आप सिचुएशन आप उस पर सेल्फी ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा आपको। और इसके साथ साथ आप जब भी इसको अनफोल्ड करते हैं, जैसे ओपन करते हैं, तो आपको फ्रंट कैमरा इसमें आ जाएगा, 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा आ जाएगा, क्योंकि बेहतर लेंस कौन सी का होगा, कौन सा ब्रांड का लेंस इसमें यूज़ किया गया अभी तक ये स्पेसिफाई नहीं किया, डिटरमाइन नहीं किया। जैसी इन्फॉर्मेशन आता है मैं आपको इन्फॉर्म करने का कोशिश करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो इसका जो सपोर्टिंग है, फर्स्ट चार्जिंग सपोर्टिंग है, ये हाँ ये अलाउ है, फर्स्ट चार्जिंग सपोर्ट करेगी, फर्स्ट चार्जिंग इसमें सपोर्टिंग करने वाली है। और सबसे जो नेगेटिव पॉइंट मुझे लगा इस दुनिया में, स्मार्टफोन की दुनिया में, जो कि इतना अपग्रेड हो चुका है, इतना बेहतरीन बेहतरीन स्मार्टफोन है, उसमें बैटरी, इसमें बैटरी का जो बैकअप है, ये बैटरी जो पावर बैंकिंग जो है, बैटरी इसका कैपेसिटी है 2510 यानी 2500 mAh का बैटरी, 2510 mAh यानी 2500 mAh का बैटरी। आज के डेट में भाई उतना खास कुछ नहीं है आज के डेट में, मतलब ये मतलब उम्मीद से बहुत नीचे है, बहुत पीछे है इस मामले में, कहीं ना कहीं बहुत पीछे है मोटोरोला रेजर का इस फोन का बैटरी, जो कि मुझे नहीं लगता बहुत अच्छा हुआ है। और इसका प्राइस की मैं बात करूं, अकॉर्डिंग टू प्राइस, ये प्राइस मैं आपको बताया था कि लास्ट में इसका प्राइस बता दूं। आपको प्राइस बताने से पहले मैं बता दूं, मैंने जहां तक ये प्राइस मेरा हजम नहीं हुआ, प्राइस के हिसाब से स्पेसिफिकेशन मुझे खास नहीं लगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसा है। प्राइस इसका है $1500, अभी इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है, यूएस में लॉन्च हुआ है, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में लॉन्च हुआ है, तो उस अकॉर्डिंग आपका इसका प्राइस है $1500, जो कि इंडियन रुपये में कन्वर्ट करने से 1,00,000 से ऊपर चल जाता है, 1,05,000-7,000 रुपया का आसपास आ जाएगा, 5,000 रुपया का पास आ जाएगा। तो 1,00,000 से प्लस इस कीमत में आपको एक iPhone 11 Max Pro का फोन मिल जाने वाली है, इतना गारंटी मैं बता सकता हूँ, iPhone 11 Max Pro मिल जाने। तो भाई इसमें क्यों खर्चा करेंगे, ये क्वेश्चन हम लोगों का दिल में आ सकता है। लेकिन इसमें सुपर बात यही है कि इसमें जो फोल्डिंग वाला है, लेकिन फिर भी इतना इस प्राइस में स्पेसिफिकेशंस मुझे खास नहीं लगा। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या होना चाहिए था इसका, इंडिया में लॉन्च होता है तो किस प्राइस में होने से बेहतरीन होगा, और ये स्पेसिफिकेशन के साथ कौन सा प्राइस इसका सुटेबल होता, और ये अगर प्राइस होता तो इसके साथ कौन सा
स्पेसिफिकेशंस, इसका स्पेसिफिकेशन सुटेबल होना चाहिए था। तो उम्मीद करता हूँ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पसंद आई होगी और वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक तो बनता है बॉस, एक लाइक कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो अभी आपका सवाल होगा, और मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद।